श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल का महीना आने वाला है और जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो अप्रैल का महीना आ भी चुका हो। तो दोस्तों, अप्रैल के महीने में किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष नियमों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिन नियमों का अगर आप लोगों ने एक महीने इस अप्रैल के महीने में पालन कर लिया, इन नियमों को धारण कर लिया, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मतलब आपके जीवन में आने वाली सारी दुख और समस्याएँ धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी और बहुत सारे आपके साथ अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन से वो नियम हैं जो कि आपको इस अप्रैल के महीने में आपको पालन करना है, है ना। सबसे पहले हम आपको ये बात और बता दें कि हम आपको इस वीडियो में ये भी बातें बताने वाले हैं कि आप कुछ कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनका आपको पता भी नहीं लगता और उसका आपको दोष लग जाता है, उस दोष की वजह से भी आपके जीवन में दुख और समस्याएँ आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नियम हम आप लोगों को बता देते हैं कि शिव जी पर जल चढ़ाने का तरीका क्या होता है और शिव जी पर जल चढ़ाते समय सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ क्या करते हैं। देखिए, जब आप शिव जी पर जल चढ़ाएं तो आपको कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। अपने मन में प्रेम और अपने मन में भाव रखकर भगवान शिव जी के ऊपर आपको जल चढ़ाना चाहिए। अब देखिए, जल तो आप चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव जी के ऊपर सीधा जाकर जल चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब आप लोग शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो वह जो जल आप लोग चढ़ा रहे हैं वह कितनी ऊंचाई से आप लोग चढ़ा रहे हैं और कैसे चढ़ा रहे हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि आप शिव जी पर जल चढ़ा रहे हैं तो जल आपको इतना ऊपर से आपको नहीं चढ़ाना है कि जो जल शिव जी पर चढ़कर जिसके छींटे अगर उछट रहे हैं और वो आपके शरीर पर स्पर्श कर रहे हैं तो इससे आपके ऊपर दोष लगता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो जल आप भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा रहे हैं वो आपको थोड़ा नीचे करके अपने जल पात्र को करके चढ़ाना है। तो आपको करना क्या है कि जिस पात्र से आप लोग जल चढ़ा रहे हो वह पात्र आपको हल्का सा नीचे करके चढ़ाना है, जिससे कि जो जल आप लोग चढ़ा रहे हैं उसके छींटे आपके शरीर को या किसी के भी शरीर को स्पर्श ना करें, वरना इससे आपको दोष लगेगा और आपके जीवन में दुख आएंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान शिव इससे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान शिव जब प्रसन्न होते हैं, जब आप पूरे मन और पूरे भाव से भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, भले ही थोड़ा सा जल ही क्यों ना चढ़ाएं, पर मन और भाव से आपको यह जल को चढ़ाना है। ठीक है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जो जल आप भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हैं वो जो जल भगवान शिव जी की शिवलिंग से स्पर्श होता हुआ जलाधारी से स्पर्श होता हुआ जलाधारी से नीचे गिर रहा है, अब वह जल बहता हुआ जिस रास्ते से जा रहा है, मतलब वह जल आपने जो चढ़ाया है वह कहीं ना कहीं से तो बाहर जाएगा ही, तो वह जल जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते के ऊपर से आपको कभी भी उस रास्ते को लांघना नहीं चाहिए। मतलब जिस रास्ते से भगवान शिव जी पर चढ़ा हुआ जल निकल कर जा रहा है उस जल के रास्ते को आपको लांघना नहीं चाहिए, मतलब उसके ऊपर से नहीं निकलना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कई सारे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और वो उस जल को लांघ लांघ कर निकलते रहते हैं, अपने काम करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको उस जल को कभी भी नहीं लांघना है। चलिए दोस्तों, अगले नियम के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप भगवान शिव जी पर फूल तो चढ़ाते होंगे या किसी भी भगवान जी को फूल तो चढ़ाते ही होंगे। ठीक है, कोई सा भी वो आप फूल चढ़ाते होंगे आप चढ़ाते ज़रूर होंगे। अब फूल को चढ़ाते समय आप क्या गलतियाँ करते हैं वो भी आप लोग सुनिए। देखिए, फूल जब हम लोग भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने किसी भी तरह फूल का मुंह करके भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया है। ठीक है, फूल को चढ़ाने का भी एक नियम होता है कि जो खिला हुआ फूल का भाग होता है, जैसे कि गुलाब का फूल आप लोग देख लो, गुलाब का जो फूल होता है जिस तरफ से वो खिला हुआ होता है वह खिला हुआ भाग आपको भगवान की तरफ करके रखना चाहिए, क्योंकि हम भगवान को फूल समर्पित कर रहे हैं ना, या अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं कि फूल को उल्टा करके समर्पित कर देते हैं, मतलब भगवान के पीछे डंडी कर देते हैं और अपनी साइड फूल कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, भगवान की तरफ हमेशा आपको खिले हुए फूल का मुख करके रखना है। ठीक है, जैसे फूल आप समर्पित कर रहे हो तो समर्पित करते समय आपको करना है उस फूल का मुख आपको भगवान की तरफ करके रख देना है। ठीक है, भगवान की तरफ आपको वह फूल का मुख करके रखना है। भगवान शिव जी पर भी चढ़ा रहे हो तो शिव जी की तरफ आपको उस फूल का मुख करके रखना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह उपाय आप इस अप्रैल के महीने में कर सकते हैं, बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय के करने से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। तो इस उपाय में आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 बेलपत्री की। 5 बेलपत्री के साथ में आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी और 1 सफ़ेद फूल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस उपाय को करने के साथ में आपको एक नाम और याद रखना है जो कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम है। ठीक है, तो इस नाम को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग की पर 5 बेलपत्री आपको चढ़ानी है। 5 बेलपत्री चढ़ाकर आपको उन्हीं 5 बेलपत्री के ऊपर 1 सफ़ेद पुष्प चढ़ा देना है, जो कि भगवान शिव जी के लिए आप लोग लेकर आए हैं। इसी सफ़ेद पुष्प के ऊपर 5 बेलपत्री के ऊपर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 लोटा जल धीरे धीरे करके 1 धारा से समर्पित कर देना है। ठीक है, और भगवान से अपनी प्रार्थना कर लेना है। छोटा सा उपाय है, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार करेंगे बहुत अच्छी बात है, अन्यथा किसी भी दिन करेंगे तो विशेष फल की आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में या अगले नियम के बारे में।
दोस्तों हम आपको कई सारे उपाय बताते हैं और उन उपायों में आपका एक मन में सवाल ज़रूर रहता होगा कि उन उपायों में जो अगर कोई उपाय दिए का उपाय बताया तो वह दिया कौन सा होना चाहिए। देखिए सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ जो दिया होता है वो होता है आटे का दिया, क्योंकि इन दियों को आप बिल्कुल नए तरीके से अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है, कभी भी बना सकते हैं, किसी भी समय बना सकते हैं। तो कोशिश ये किया कीजिए कि आप भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हैं तो एक आटे का दिया प्रतिदिन नियम के साथ गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का आप लोग जलाकर ज़रूर आया कीजिएगा, ठीक है। मतलब आटे का दिया आप लोग बनाएंगे तो इससे आप खुद से भगवान शिव ज्यादा प्रसन्न होंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाते हैं, कई सारे लोग चढ़ाते हैं और पंचामृत चढ़ाने का बहुत ही विशेष फल यहां पर आप सभी लोगों को मिलता है। पर इस अप्रैल के महीने में अगर आप लोग पंचामृत की इन पांच चीजों को अलग अलग करके चढ़ाते हैं तो आपको किस किस फल की प्राप्ति होगी वो आप यहाँ पर सुनिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं दूध। दोस्तों अगर आप लोगों के घर में संतान नहीं है, संतान की वृद्धि नहीं है, आपका कुल आगे नहीं बढ़ रहा है तो उस स्थान पर आपको क्या करना चाहिए कि भगवान शिव जी पर निरंतर दूध समर्पित करना चाहिए या नियम से दूध समर्पित करना चाहिए। दूध भी किसका, शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। भैंस का दूध आपको भगवान शिव जी पर समर्पित नहीं करना है, ठीक है, शुद्ध देसी गाय का दूध आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है, इससे आपके घर में संतान की वृद्धि होगी। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोगों के घर में प्रेम बिल्कुल नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, भाई भाई में, सास बहू में, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा अगर आपके घर में चल रहा है, प्रेम बिल्कुल नहीं है, तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी पर दही समर्पित करना चाहिए। अप्रैल के महीने में दही समर्पित कीजिए, आपके घर में प्रेम बढ़ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आपके घर में रोग मुक्ति से जो है, कई सारे लोग मतलब चाहते हैं कि उनके घर से रोग मुक्ति हो जाए, मतलब कि जो भी रोग बीमारी उनके शरीर में उनको घिरे हुए है वे उनके शरीर से दूर चली जाए, तो उस स्थान पर आपको इस अप्रैल के महीने में भगवान शिव जी पर घी समर्पित करना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी समर्पित करना चाहिए, ठीक है, नियम से। इससे आपके घर में जो है रोग बीमारी कभी नहीं होगी, होगी भी तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, ठीक है। अब जो अगली सामग्री है वो है शहद। दोस्तों अगर आप लोगों के घर में धन संपदा की बहुत कमी है, धन की कभी ना कभी कमी आती ही रहती है, तो इस स्थान पर आपको भगवान शिव जी पर शहद एक नियम से समर्पित करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको बताते हैं अगर आपके घर में बच्चे ज़िद्दी हैं तो ज़िद्दी बच्चों के लिए या आपसे अपशब्द बोलते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, तो उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी पर शक्कर एक नियम से चढ़ाना चाहिए, ठीक है। जो पिसी हुई शक्कर होती है ना वो आप भगवान शिव जी पर चढ़ाएं, निश्चित ही आपके घर के बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। तो ये है वो पांच चीजें थी पंचामृत की जिन्हें आप अगर अलग अलग करके चढ़ाते हैं तो ये फल की आपको प्राप्ति होगी, ठीक है। आप अपने इच्छा अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं या इन नियमों को धारण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब जो हम आपको नियम बता रहे हैं इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों आप सभी लोग भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं और जल चढ़ाकर कई लोग क्या करते हैं, सीधा खाली लोटा लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। अप्रैल के महीने में ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है, आपने भगवान शिव जी पर जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद इस जल पात्र को खाली नहीं लाना है। खाली नहीं लाओगे तो क्या करोगे, इसी जल पात्र के अंदर जो आपने भगवान शिव जी पर जल चढ़ा दिया है या अगर आपने चढ़ा के भगवान के दर्शन किए हैं उसके बाद भी अगर जलाधारी से जो भी जल टपक रहा है, भले वो एक से दो बूंद ही जल क्यों ना टपक रहा हो भगवान शिव जी की शिवलिंग से, तो आपको अपने उसी जल पात्र के अंदर भगवान शिव जी की जलाधारी से थोड़ा सा जल झेल कर लाना है, ठीक है। भले वो एक से दो बूंद ही क्यों ना हो, उस एक से दो बूंद में भी इतनी ताकत होती है कि वो आपके जीवन में खुशियाँ भर सकती है, ठीक है। तो आपको कुछ उस भगवान शिव जी पर चढ़े हुए जल का भाग अपने लोटे में झेल कर लाना चाहिए। आप चाहें उस जल का आचमन कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर में छिड़क सकते हैं, इससे आपके घर में खुशियां आती हैं, मन शांत रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों जब भी आपके घर में कभी आरती हो रही हो, किसी भी पूजन, आपने कोई बड़ी पूजन करवाई हो और उस समय आपकी आरती हो रही हो, ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि आरती में कपूर तो सभी लोगों के होता ही होता है, ठीक है, तो अब यहां पर कई सारे लोग एक गलती करते हैं कि आपकी आरती पूरी हो गई है, ठीक है, और आरती पूरी हो गई है पर कपूर अभी तक जल रहा है। तो दोस्तों एक नियम ये कहता है, मतलब हमारा नियम ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि जब आप आरती कर रहे हो और उस आरती की थाली में आपने कपूर जलाया हो तो आपको वह थाली को जब तक नीचे नहीं रखना चाहिए जब तक कि वह कपूर पूरी तरीके से जल ना जाए, है ना। तो आज से अपने मन में इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी पूजन हो तो आपका कपूर जल रहा है, भले ही आपकी आरती क्यों ना हो गई हो, तो जब तक आपका वह कपूर पूरा ना जल जाए आपको अपनी थाली को नीचे नहीं रखना है ना, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों आपके घर में रोज प्रातःकाल सुबह सुबह आपके घर से कोई ना कोई अपने काम पर जरूर जाता होगा और उसके बाद आप लोग कई सारे लोग शायद झाड़ू पोंछा करते होंगे, ठीक है, तो एक बात आप विशेष रूप से यहां पर नियम बना लीजिए कि आपके घर से जब भी कोई निकल रहा हो तो उस समय ना ही आपको झाड़ू करना है, ना ही पोंछा करना है, ना ही उसके जाने के बाद कभी आपको झाड़ू पोंछा करना है। कोशिश आपको यह करना है कि आपके घर से कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई व्यापार पर
जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई कोचिंग जा रहा है, तो आप उससे पहले ही मतलब 9-10 बजे तक ही सभी लोग आपके घर से निकलते होंगे, तो 9-10 बजे से पहले ही आप लोगों को अपने घर की साफ़ सफाई पोंछा जितना आप लोग करना चाहते हैं वो कर लीजिए। पर आपके घर से अगर कोई काम पर निकल गया है और काम पर जाने के बाद आप ना झाड़ू लगाएं ना पोछे लगाएं, बच्चों का चलता है, बच्चे सुबह स्कूल निकल जाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपके घर का जो मुख्य सदस्य है वह काम पर निकल गया उसके बाद अगर आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि झाड़ू पोछा कब किया जाता है, अब वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं अगला नियम जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर में जो झाड़ू होता है झाड़ने वाला, जिससे वो अपने घर को झाड़ते हैं, उस झाड़ू को हर कहीं पर रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और कहाँ कहाँ पर रखने से आपके घर में क्या क्या समस्याएँ आती हैं वो भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों अगर आप मतलब अपने पति पत्नी के जो कमरा होता है, पति पत्नी के कमरे में जहाँ पर पति पत्नी सोते होंगे या विश्राम करते होंगे, उस पलंग के नीचे अगर आप लोग अपने घर के झाड़ने वाला झाड़ू रख रहे हैं तो इससे आपके घर में प्रेम कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग अपने घर के हॉल में रख रहे हैं, मतलब जहाँ पर आपके घर में मेहमान वगैरह बैठते होंगे, अगर उस स्थान पर अगर आप लोग अपना झाड़ू रख रहे हैं तो भाई इससे क्या होगा कि या सोफे के नीचे अगर आप लोग रख रहे हैं तो आप के घर में जो सास बहू होंगी उनके बीच में कभी प्रेम ही नहीं बढ़ेगा। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप अपने इसी झाड़ू को रसोई घर में रख रहे हैं तो इससे आपके घर में जो बच्चे होंगे उनके अंदर क्रोध बढ़ेगा, बच्चे गलत संगत में जाएंगे, गलत संबंध बनाएंगे। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो झाड़ू का भी एक निश्चित सही जगह पर आपको हमेशा रखना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों भगवान शिव जी का जो भ्रमण का समय रहता है वो कई सारे लोग जानते होंगे कि शाम का समय रहता है, और शाम का समय होता है 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नंदी बाबा के बैल पर मतलब नंदी बाबा के ऊपर बैठकर जो है पूरे में भ्रमण करते हैं। तो इस 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए वो भी आप लोग सुन लीजिए। इस समय के बीच में ना ही कभी आपको झाड़ू लगाना चाहिए अपने घर का, ना ही आपको चूड़ी बिछिया पहनना चाहिए अपने पैरों और हाथों में, इस बात का ध्यान रखना है, ना ही आपको सिंदूर लगाना चाहिए, ना ही आपको अपने बाल उछना चाहिए, मतलब ना ही आपको अपनी कंघी करना चाहिए, और ना ही आपको अपने घर के चौखट पर बैठना चाहिए शाम के समय 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। ये नियम आपको पूरे दिन ध्यान रखना है, इस बात का आपको विशेष रूप से हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो अगला और आखिरी जो हम आपको नियम बताने जा रहे हैं इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों जब भी आप लोग मंदिर में दिया बाती करने जाते हैं, कई सारे लोगों का नियम है प्रतिदिन वो दिया बाती करने जाते हैं, तो यहां पर हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी हमें मंदिर में दिया बाती करने के बाद एकदम से मंदिर के बाहर नहीं आना चाहिए। आपने मंदिर गए, आप लोग मंदिर गए, मंदिर के अंदर प्रवेश किया, भगवान के दर्शन किए, आप लोगों ने दिया बाती करी, मतलब दीपक भगवान जी के सामने लगाया, भगवान भोलेनाथ के सामने, या किसी भी मंदिर में जाकर आपने दीपक लगाया, दीपक लगाने के बाद आपको सीधा मंदिर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपने दीपक लगाया, दीपक लगाने के बाद वहीं पर भगवान शिव जी के सामने या भगवान के मंदिर के सामने 2 क्षण बैठो, भले ही कितना ही समय बैठो पर एक बार बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए ही बैठो पर बैठ जाओ, उसके बाद आप कुछ समय बैठ जाओ, कुछ समय भगवान शिव जी को मतलब भगवान जी को निहार लो, निहारने के बाद फिर आप लोगों को मंदिर से बाहर निकलना चाहिए, सीधे नहीं निकलना चाहिए। तो बस ये आप नियम अप्रैल के महीने में बना लीजिए, आपके साथ खुद ब खुद इतने चमत्कार होंगे जितने कि आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। और कोई भी आपको समस्या आती है, कुछ भी नई बात पूछनी हो, कमेंट कर दीजिएगा, अगली बार हम आपको आपकी इन बातों का जो है जवाब दे देंगे। ठीक है, और यही सारी बातें आप हमारी वेबसाइट पर जाकर या पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय या किसी भी तरीके की चीज़ों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट bholenathbhakti.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।